शामिल हजरात जो बच्चों या बड़ों में हाजिरी करवाते हैं, तो इसके नुकसानात या इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपने इस हवाले से हमें याद किया। महमूद भाई, सबसे पहली बात यह है, जो लोग जो आमिल हजरात बच्चों या बड़ों में हाजिरी करवाते हैं, जिन्नात जिस्म के अंदर बुलाते हैं या उनको दिखाते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? मेरे देखने में ये आया है, तजर्बात में ये बात आई है, इसका फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान बड़ा होता है। नुकसान ये होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है मिट्टी से और जिन्नात को बनाया है आग से। जब ये इंसान के जिस्म के अंदर इंट्री करते हैं, और उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ भी है, बाज़ कहते हैं जिन्नात इंसान के जिस्म में हलूल कर जाता है, बाज़ कहते हैं कि नहीं करता, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, ये ऐसा खौफ है, जब मिट्टी के साथ टच होता है, आग का टच होना, इसकी वजह से इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं। मैं इसी ज़िमन में एक वाक़या ज़िक्र करूँगा। मेरे पास एक यंग लड़की आई, अभी तकरीबन 2 साल हुए हैं उसकी शादी हुए, तो मुझे उन्होंने वाक़या सुनाया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। कहने लगे, उसके साथ जो उसके हस्बैंड आए थे, उसके भाई आए थे लड़की के, तो दोनों बात कर रहे थे, कह रहे थे करी साहब हमारी ये सिस्टर शादी से पहले इसके साथ कुछ मसाइल थे, हमारा एक अपना अजीज़ रिश्तेदार जो ये काम करता था, जब भी किसी को कोई मसला होता तो वो इसको बुलाता और बुला के इसके अंदर हाजिरी करवा देता था, करवा के वो कभी किसी के घर के बारे में पूछता, बताओ उसके तवीज़ कहाँ पे पड़े हुए हैं, अपने घरेलू यानी कि अपने घरेलू मामला। ज़ाहिर बात वो एक मुआलज था, वो लोगों के काम करता था, और जब भी कोई उसके पास कस्टमर आता था, मैं इसकी वजाहत कर दूं, कस्टमर आता था तो वो उसको बुला लेता था कि हमने इसका इलाज करना है, लेकिन वो काम अपना निकलवाता था, अपना काम निकलवाता था, फलां के तवीज़ कहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जिन्नात हैं, उसके घर में कितने जिन्नात हैं। इसका नुकसान ये हुआ, वो बच्ची आज तक इन मसाइल से नहीं निकल सकी, उसका नुकसान ये हुआ। और यहाँ तक जिस्म के अज़ा, गर्दन का टेढ़ा हो जाना इसी वजह से, हाथों का उल्टा हो जाना, पाँव का टेढ़ा हो जाना, ज़ुबान का बाहर निकल आना, और आँखों को खिंचाव पड़ जाना, क्योंकि ज़ाहरी बात है इंसान और जिन्नात का जोड़ ही नहीं है आपस में। तो जब ये चीज़ें, कभी भी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसानों के हाथों में ना दें, जो अपने फ़ायदे के लिए चंद रुपयों की खातर आपके बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे हमेशा के लिए रोगी होकर रह जाते हैं, तो ये इसका नुकसान होता है। और यहाँ तक फिर 2 साल हो गए महमूद भाई, शादी भी हुई है, देन तो अल्लाह की है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे एक्टिव भी नहीं है इस हवाले से कि वो बच्चे वाले उनके साथ मामलात हो सके।